दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में। तो बेसिकली आज अभी 1:30-2 बज रहा है और अभी घर पर कोई नहीं है, मैं ही अकेला हूँ। सोच रहा हूँ क्या देखूँ, सामने टीवी चालू कर रखा है, नेटफ्लिक्स पे देखता हूँ, समझ में नहीं आ रहा है तो क्या देख। भाई कल मेरा, मुझे लग रहा है मेरा अकाउंट हैक हो गया था। ये ना पंजाब की लोकेशन दिखाई और मैंने जितने भी हमने शेयरिंग कर रखी है सबों से पूछा कि भाई तुमने तो नहीं करा, किसी ने भी कहीं शेयर नहीं करा हो पंजाब की लोकेशन। तो मुझे अपनी जीमेल आईडी का पासवर्ड और इसका दोनों का पासवर्ड फटाफट चेंज करना पड़ा और भूख भी लग रही है। वैसे तो खाना बना पड़ा लेकिन कल का जैसे कि ढोकला रखा है तो पीस अभी भी तो यही खाऊंगा आराम से। फाइनली मेरे को एक मूवी मिल गई है, द ब्लैक डॉक्टर नाम से, अभी रिसेंटली रिलीज हुई है तो वही देख रहा हूँ। प्लस ये खाते हुए आज बेसिकली एक गार्डन में काम करना है हमें ना। ये हिबिस्कस प्लांट है, इसमें बेसिकली वो लग रहे हैं मिली बग्स, दिखाता हूँ मैं तो। देख रहे हैं पूरे इसमें, ये देखो मिली बग लग रहे हैं। और ये हिबिस्कस में बेसिकली एक नॉर्मल सी बीमारी है, इसमें लगती रहते हैं मिली बग ना। देखो यहाँ पे भी लग रहे हैं, ये लग रहे, यहाँ पे ये लग रहे, नीचे देख रहे हो वहाँ वो लग रहे। तो इसको क्योर करने के लिए एक नेचुरल ऑर्गेनिक पदार्थ है, पदार्थ का नाम है नीम ऑयल। तो फटाफट हम नीम ऑयल का वो मेरे पास पाउच रखा है, उसको लगा के और फटाफट इस पर छिड़काव करना पड़ेगा ताकि मिलीबग का अटैक ज़्यादा ना हो, यहाँ पे शांत हो जाए। वैसे मैं हर एक महीने में एक बार डाल देता हूँ, इस बार भूल गया था इसलिए इतने मिलीबग्स बढ़ गए बिस्किस पे। सामान निकाल लेता हूँ जो कि मैं गार्डनिंग का अपना सारा सामान यहाँ रखता। एक ये चाहिए हमें, एक स्प्रे हो गया और ये हमारे बेसिकली स्टोर रूम है, इसी में सारा सामान रखता हूँ। तो हमें चाहिए, फाइनली नीम ऑयल मिल चुका है, यहाँ पे रख रखा था मैंने और मैं ढूंढ जा रहा हूँ इतनी दूर से कि देर से कि कहाँ पे रख रखा है, तो मिल गया मुझे फटाफट। अब इसको इसमें फटाफट मैं पानी भरता हूँ और ये दिखाता हूँ कैसे कैसे मिक्सचर पूरा बनाना है और कैसे स्प्रे करना है, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे पूरी बोतल भर ली है, 2 लीटर की बोतल है बेसिकली ना। और ये है जिससे हम नाप के, इसमें हमें डालना है 5 ml डालना है बस। तो इसको खोलते हैं, पहले चेक कर लेते हैं थोड़ा सा ना। ये आधा इसलिए हो गया क्योंकि बंदर फैला के चले गए थे इसको, इसलिए मुझे छुपा के रखना पड़ा था ना। इस पर वार्निंग लिखी हुई है कि बच्चों के हाथ में ना पड़े। अब इसमें हम डाल देते हैं 5 ml के आसपास, चेक करते हैं 5 ml होने वाला है, जरा इसमें डाल देते हैं। तैयार हो चुका है लेकिन इसमें एक अभी भी कमी रह गई है, जो लाइक नीम ऑयल जो है ना एक्सट्रैक्ट जो होता है ये प्रॉपर मिक्स नहीं होता है। तो इसको प्रॉपर मिक्स करने के लिए इसमें जो डिटॉल हैंड वॉश या कुछ भी डिश वॉश ऐसे वो मिक्स करना पड़ेगा थोड़ा सा, ताकि ये प्रॉपर डिजॉल्व हो जाए और पौधों को अच्छी तरीके से लग जाए। ये रहा, इसमें डिटॉल डाल देते हैं हम थोड़ा सा ना। इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है, अब इसमें पंप भरने पड़ेगा हमें, पंप भरने के बाद फिर स्प्रे करना पड़ेगा अच्छी तरीके से। हमने ये तैयार कर लिया, अब हमें स्प्रे स्प्रे करना है अच्छी तरीके से ताकि जो भी और मिली बग दिख रहे हैं जहाँ वहाँ, तो स्पेशली अच्छी तरीके से प्लांट को कवर करना है ना। अब जो है ना, मैं इस वाले पे स्प्रे कर रहा हूँ, ये रात की रानी है तो उस पर भी देखो मिलीबग का अटैक है हल्का हल्का सा ना। तो सारे पौधों पे डालने की ज़रूरत नहीं है, उसी पे डालो जिस पे डालने की ज़रूरत है, ठीक है। मैंने सब पेड़ों पे डाल दिया है तो अब इस बोतल को धोने का टाइम आ गया है। तो उससे पहले मैं कुछ ज़रूरी बात आपको बता देता हूँ। देखो सारे पौधों पे डालने की ज़रूरत है नहीं है बेसिकली, आपको जो 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 लग रहे हैं जैसे कि वो रात की रानी का था, हिबिस्किस था और अपराजिता और रंगून क्रीपर, मोगरा, इन इन प्लांटों पे डाला है मैंने।
और एक बात और ध्यान रखना कि ज़्यादा क्वांटिटी मत डाल देना वरना तुम्हारे बर्न करने लग जाएंगे। और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी बात यह है कि ये दोपहर के टाइम बिल्कुल नहीं होता है। अब देखो मौसम ऐसा हो रहा है तो तुम कर सकते हो, वरना शाम को ही करो। और शाम को करने के बाद इसको सुबह आपको पूरे पौधों को जिस जिस पर डाला है उसको वापस अच्छी तरीके से नहलाना पड़ेगा, ताकि जो भी हमने सोल्यूशन डाला है उससे हट जाए, वरना फालतू में प्लांट्स को प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये कीड़ों के लिए है बेसिकली मिली बग्स, और इसको हटा देती है ये ना। तो देख के करो। और ये सारे पौधों को मैंने नहला रखा है, इससे जो भी है मेजर ना सबों को सोल्यूशन से नहला दिया है। ये सोल्यूशन मिक्सचर है नीम ऑयल और जो डिशवॉश सोप या हैंड वॉश का, तो प्रॉपर यूज़ करना है इसका। और ज़्यादा मत करना यूज़, क्योंकि अगर ज़्यादा यूज़ कर लिया तो बर्न होने लग जाएंगे लीफ और प्लांट में दिक्कत हो जाएगी। और एक खास बात और, मिट्टी में नहीं यूज़ करना है, हमें डायरेक्ट पौधों पे छिड़काव करना है इसका, ठीक है। तो अब इसको सुबह अच्छे तरीके से धोते हुए मैं कल सुबह का दिखाऊंगा फिर, ठीक है। ओके, हम आज पतंग उड़ा रहे हैं। हम पतंग उड़ाएंगे। अरे इन्हें देखो, ये देखो, ये रे मोटे भाई साहब, ये रे मोटे भाई साहब, मोटे भाई साहब नाड़ में उड़ा के, नाड़ में मंजिल जाके उड़ाएंगे, पता है। ये नाड़ में, ये रे भाई साहब, अपना फोन दिखाओ इन्हें। लग से वैसे उड़ानी है जैसे तू उड़ा रहा। हाँ, ऊँची कर ले। तो पीछे दो डेढ़ पड़े हुए हैं, 150 पे दिख रहे हैं, 150 गाने चला रखे हैं 150 में। लक्ष्य उड़ाइयो, बेकार चल दिया पतंग, दिखा तो दे। देखो पतंग उड़ा रहे हैं, नया स्टाइल नाड़ में डाल रखी है, और वो देखो पतंग उड़ा रहा है। अबे वो तमाम झटके तो बस। मौसम कितना मस्त लग रहा है, देखो धीरे धीरे। एक बज रहा है कम से कम, हम खेल रहे हैं टेकन के टूर्नामेंट चल रहा है, उसमें भाग ले रहे हैं। तो मैं हूँ और भैया बैठे हुए हैं, और अब बस हम जा रहे हैं, थोड़ी देर खेलेंगे फिर गुड नाइट कर लेंगे। तो तब तक सायोनारा और गुड नाइट ना, गुड मॉर्निंग।